हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। आज है लेक्चर 9 और हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन का टॉपिक। जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसी के अंदर आता है ये टॉपिक। और आज जो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका लास्ट लेक्चर होगा इस पूरे चैप्टर का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टॉपिक का जो नाम है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, दो प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी थी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में जो आती है वो थी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ पेपर प्रेशर। सेकंड वन थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका कि फ्रिजिंग पॉइंट का कम होना, इस टॉपिक का मतलब है फ्रिजिंग पॉइंट का कम होना। तो अब ये किस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रिजिंग पॉइंट कैसे हो रहा है। तो आप देखिए, जब भी हम लोग सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो आपको पता है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसी तरीके से फ्रिजिंग पॉइंट भी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, फ्रिजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। मैं इसको लिख देती हूं FP, ये भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बॉइलिंग पॉइंट की एक नई डेफिनेशन बताई थी, उसी तरीके से मैं आज आपको फ्रिजिंग पॉइंट की भी एक नई डेफिनेशन बताती हूं। क्या होता है फ्रिजिंग पॉइंट, फ्रिजिंग पॉइंट का मतलब होता है इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर हो लिक्विड स्टेट का वो इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, उसी पॉइंट पे जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, या जो नॉन वॉलेटाइल या फिर जो सॉल्वेंट है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं ग्राफ के थ्रू। तो चलिए ग्राफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप ये कॉपी कर लीजिएगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी चीज को मैं आपको समझाऊंगी ड्यू टू ग्राफ, ठीक है, और साथ में हम ग्राफ के थ्रू ये भी समझेंगे कि कैसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है। तो देखिए, मैंने ग्राफ लिया है, ठीक है, यहां पर है वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर है टेम्परेचर। अगर कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है उसके अंदर कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं है तो क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उसका मान लीजिए मैंने बनाया ग्राफ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनाया है, और ये ग्राफ किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट, ओके। अब मैं बात करती हूं सॉल्यूशन की जिसके अंदर, मतलब प्योर सॉल्वेंट था, अब इसी के अंदर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन में जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड हुआ है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, एंड ग्राफ कैसे आएगा, नीचे आ जाएगा ग्राफ, क्या आ जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको अच्छी तरीके से बनाती हूं, नीचे आ जाएगा ग्राफ,
ठीक है, और ये किसका ग्राफ है? सॉल्यूशन का ग्राफ है। ओके, अब हम देखेंगे, ये तो हमने ग्राफ बना लिया वेपर प्रेशर के एंड टेम्परेचर के, अब हमें ये देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर कैसे है। डेफिनेशन में क्या था? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट होता है, अब मैं आपको बता दूं, जो ये प्योर सॉल्वेंट है ये लिक्विड स्टेट में है, और जो सॉल्यूशन है ये भी कैसे स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है, ठीक है ना, ये दोनों लिक्विड स्टेट में आपको पता है। अब आप देखिए, चाहे मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करूं चाहे मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सपोज करिए यहां पर एक बात समझिएगा, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ये दोनों लिक्विड स्टेट में है। मैं एक बार प्योर सॉल्वेंट की बात करती हूँ, लिक्विड स्टेट जो है प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट में, अब क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है सॉलिड स्टेट का, जब सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर एंड लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट होगा। तो देखिए, सपोज करिए कोई सॉलिड स्टेट में है, मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट का जो है पहले वो सॉलिड स्टेट में था, जब वो सॉलिड स्टेट में था तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वेपराइजेशन हो रहा होगा, मान लीजिए सब्लिमेशन जब होता है तो वेपराइजेशन होता है उस कंडीशन में, तो मान लीजिए उस सॉल्वेंट में जो कि वोलेटाइल है और सॉलिड स्टेट में भी कुछ वेपराइजेशन हो रहा था, ठीक है। तो आपको पता है अगर प्योर सॉल्वेंट है या पहले अगर सॉलिड स्टेट में है, तो उस कंडीशन पर टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग जो उसका ग्राफ होगा वो भी कैसा होगा, एकदम प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो चाहे वो सॉलिड स्टेट में ही हो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो मैंने मान लिया ग्राफ इस तरीके से बनाया है, ये देख लीजिए, ये ग्राफ किसका है, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ मैंने बना लिया है सॉलिड स्टेट का, ठीक है ना। मैंने आपको ये दिखाने के लिए बनाया है कि मान लीजिए जो ग्राफ बनेगा सॉलिड स्टेट का ये बनेगा, ये है, आप ये मान लीजिए मैं एक बार प्योर सॉल्वेंट की बात कर रही हूं, प्योर सॉल्वेंट जब लिक्विड में था और जब ये सॉलिड स्टेट में था, ठीक है, आप एक तरीके से इसको मानिए, है ना। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सिमिलर है, तो ये जो पॉइंट होगा जिस पर ये दोनों मिल गए, जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट पॉइंट जो है वो ये है, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, कौन सा पॉइंट होगा, पी नॉट एफ, ठीक है, आई बात समझ में। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं सॉल्यूशन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन से, ठीक है, इस सॉलिड स्टेट का, तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कहां पर आएगा, कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट कहां पर आएगा, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा इसको, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा इसको, और इस पॉइंट पे जो है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे टी एफ, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आई बात समझ में। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्रिस्टल जो होते हैं वो एकदम मतलब पैटर्न में होते हैं, एकदम रेगुलर पैटर्न में फ्रीजिंग होती है, आप ये मान के चलिए। जैसे ही मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर ऐड करूंगी तो वो मॉलिक्यूल जो है अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है, और हमें दोबारा अच्छी तरीके से फ्रीजिंग चाहिए होगी अगर, तो हमें क्या है, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर को कम करेंगे ना इससे प्योर सॉल्वेंट से, टेम्परेचर को जैसे ही कम किया सॉल्यूशन के, तो हमें वापस फ्रीजिंग पॉइंट हमारी मिल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे तो प्योर सॉल्वेंट का है और इस पॉइंट पे है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा इससे कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि पीछे जब करेंगे ना टेम्परेचर तभी फ्रीजिंग होगी, क्योंकि जो फ्रीजिंग है हमारी वो डिस्टर्ब कर दी है किसने, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जो ये इसका डिस्टेंस है टी एफ और टी नॉट एफ का जो डिफरेंस है, इसे हम बोलेंगे डेल्टा टी एफ, और इसे ही हम बोलते हैं क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या निकल के आएगा इधर से हमारा फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, क्या निकलेगा इससे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, इसे हम बोलेंगे फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है ये, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसे बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आई होप आपको पूरा ही समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले से जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे मैं मिटा रही हूं।
देखिए, एक्सपेरिमेंटली ये कहा गया कि जो डेल्टा टी एफ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल एम। स्मॉल एम मीन्स मोलैरिटी। देखिए ये कुछ कुछ मिलता जुलता है किससे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है ना। फॉर्मूले लगभग सेम है और जो न्यूमेरिकल्स होंगे इसके वो भी लगभग सेम ही आते हैं। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, एंड वी नो व्हाट इज द मोलैरिटी। आपको पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, सॉल्यूट यहां पर क्या है नॉन वॉलेटाइल, और अपॉन क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, ठीक है। तो ये अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ स्मॉल एम। ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है। के एफ को हम यहां पर क्या कहेंगे, के एफ को हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। के एफ को हम ये भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। के एफ का समझ में आया, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ के एफ क्या है, के एफ की यूनिट जो ये होगा, इसकी यूनिट जो बनेगी वो बनेगी, अगर मैं के एफ का यहां से निकालूं, इसका जो वैल्यू है वो निकालूं, तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन स्मॉल एम, ठीक है। डेल्टा टी एफ का है केल्विन, और मोलैरिटी का क्या होता है, क्या होता है मोलैरिटी का, मोल पर केजी, मोल पर केजी, तो मोल जो केजी है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका हो गया यूनिट। अब हम इस जो फॉर्मूले को है आगे डिराइव करते हैं। अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है W2 अपॉन M2, ये मोलर मास है सॉल्यूट का, अपॉन सॉल्वेंट का गिवन मास इनटू अपॉन 1000, ये मास, ये अपना फॉर्मूला आता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय W1 और ऊपर आ जाएगा 1000, ठीक है। ये आपको अगर इजी लगे तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा। अब इसकी वैल्यू मैं इसमें रख देती हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, एम की वैल्यू रखती हूं मैं, W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन M2 W1, ये हमारा निकल के आ जाएगा डेल्टा टी एफ का वैल्यू। अगर मैं और इसको एक्सपेंड करूं और यहां से आपका जो आपका मोलर मास है सॉल्यूट का वो भी निकल के आ जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये पूरा जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और जो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि ये मोलैरिटी पर डिपेंड करता है इसलिए ये भी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर आपको समझना है तो आपको पहले ये जानना होगा कि ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है। और अगर ऑस्मोसिस को समझना है तो हमें डिफ्यूजन का मतलब पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है। देखिए डिफ्यूजन का मतलब होता है, मैं आपको इसकी नेट जो डेफिनेशन है मैं बताती हूं। डिफ्यूजन मींस नेट मूवमेंट एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन,
कंसेंट्रेशन, ठीक है। और ये कब तक होगा फ्लो? अंटिल इक्विलिब्रियम अटेन्स, और वी कैन से अंटिल द कंसेंट्रेशन बिकम सेम ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो देखिए डिफ्यूजन का मैं मतलब आपको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगी। इसका सीधा सा मतलब होता है कि नेट मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट हो, जो फाइनल जो मूवमेंट हो किसी भी सब्सटेंस का, वो कहां से कहां तक? उसकी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, मतलब जहां पर उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा हो और एक जगह हो जहां पर लोअर हो, तो हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जो फ्लो होगा, है ना, जो नेट मूवमेंट होगा उस सब्सटेंस का, उसे ही हम बोलेंगे डिफ्यूजन, ठीक है। और ये जो फ्लो होगा मूवमेंट का, ये कब तक होगा मूवमेंट? जब तक कि कंसेंट्रेशन दोनों तरफ सेम ना हो जाए, या मैं बोलती हूँ इक्विलिब्रियम ना मिल जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों डायग्राम के थ्रू अलग अलग बताऊंगी, और क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगी। तो आपको डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है वो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। देखिए पहले मैं डिफ्यूजन के लिए डायग्राम बना रही हूं दोनों से, यहां पर ऑस्मोसिस का, यहां पर डिफ्यूजन का, मैं लिख देती हूं, इधर डिफ्यूजन और इधर ऑस्मोसिस, क्योंकि दोनों आप समझ जाओगे ना तो आपको बेसिक पता चल जाएगा और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहां पर क्या किया है, एक बॉक्स ले लिया है, ठीक है, और इस बॉक्स में मैंने यहां पर इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, ठीक है, और मैंने बीच में जो है नॉर्मल मेम्ब्रेन लगा दी है, नॉर्मल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, और जिसके अंदर से आराम से फ्लो हो सकता है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फ्लो हो सकता है आराम से, ये नॉर्मल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। अब यहां पर है सॉल्यूशन वन और इधर है सॉल्यूशन टू, थोड़ा बड़ा बना दे इसको ताकि आपको समझ में आए, इसे थोड़ा बड़ा बना देती हूं मैं इसको, ठीक है, ओके। यहां सॉल्यूशन फर्स्ट, यहां सॉल्यूशन टू, इसमें जो कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन की उसको मैंने मान लिया सी वन, इसमें जो सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन मान ली मैंने सी टू। हमने यहां पर कंसीडर कर लिया कि सी वन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है सी टू से, ठीक है, यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया है। अब आप देखिए कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, या फिर आप देखो ज्यादा कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। भाई सी वन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब है कि सी वन के अंदर, या फिर सॉल्यूशन जो फर्स्ट है उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है, ठीक है। यानी इससे क्या पता चलता है आपको, इस कंडीशन लगने के बाद आपको क्या पता चलता है, तीन चार चीजें पता चलती है, मैं यहां पर लिखती हूं। पहली चीज क्या पता चलती है कि सॉल्यूशन वन में क्या, सॉल्यूशन वन में क्या ज्यादा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है ना। और वाइस वर्सा सॉल्यूशन टू में सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है ना, ये पता लगता है हमें। ये बात पता है कि अब जब फ्लो होगा इसके अंदर, ठीक है, सपोज करिए फ्लो हो रहा है इसके अंदर, कहलाएगा कि अगर यहां से यहां पर सॉल्यूट, यहां पर ज्यादा है ना सी वन में, मैंने आपको बताया सॉल्यूशन वन में सॉल्यूट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूजन का मतलब होता है कि सॉल्यूट जो है वो हायर कंसेंट्रेशन में है यहां पर सॉल्यूशन फर्स्ट में, और सॉल्यूशन सेकंड में वो लोअर कंसेंट्रेशन में है, तो सॉल्यूट का तो मूवमेंट इधर से इधर होगा, क्या लिख दूं मैं ऊपर, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट का मूवमेंट इधर से इधर होगा, इसको बोल देती हूं सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों का मूवमेंट होगा, सॉल्यूट का सॉल्यूशन फर्स्ट से सॉल्यूशन टू, और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन टू से सॉल्यूशन फर्स्ट में, क्यों होगा ये आपको पता है, कंसेंट्रेशन मैंने यहां पर दोनों कंडीशन लिखवा दी है, ठीक है, कि सॉल्यूशन फर्स्ट में सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्यूशन टू में सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तभी तो सी वन ग्रेटर देन सी टू है। और कंसेंट्रेशन ज्यादा का मतलब ही क्या होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया, ये नॉर्मल मेम्ब्रेन था बीच में, आराम से दोनों चीजें फ्लो करी है। अब आप ये मत सोचिएगा कि जो ये डायरेक्शन मैंने आपकी बनाई है ना,
ये डायरेक्शन नेट डायरेक्शन है, मतलब रिजल्टेंट डायरेक्शन है, क्योंकि देखिए ये तो पाइप जो है वो एक तरीके से खुला पाइप है, ये सबको परमिशन दे रहा है आने जाने की। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूट बस यहां से यहीं जाएंगे, कुछ सॉल्यूट हो सकता है सॉल्यूशन के अंदर हो और वो वापस इधर भी आ सकते हैं कुछ मामले में। लेकिन क्या होगा कि जो रिजल्टेंट होगा, जो ज्यादा मात्रा में जो सॉल्यूट होंगे ना, वो सॉल्यूशन फर्स्ट से सॉल्यूशन टू की तरफ जाएंगे। एक आप रिजल्टेंट पढ़ते हो ना, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी ना वो होगी सॉल्यूट की C1 से C2, मतलब सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की तरफ। ठीक है, देखो कुछ एक सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे या कुछ एक सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे जो अगेंस्ट भी जा रहे होंगे, लेकिन वो बहुत कम होंगे। जो रिजल्टेंट होगा वो जो मैंने बनाया है डायरेक्शन वही होगा, इसे बोलते हैं हम डिफ्यूजन। अब देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, मैंने डब्बा बना लिया, ये जो मेम्ब्रेन मैंने बीच में लगाई है इस बार, ये मेम्ब्रेन अच्छी वाली मेम्ब्रेन है, जिसे हम बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हर किसी को परमिशन नहीं देती है, ये अगर एक चीज को परमिशन देगी पास करने की तो दूसरी को रोक देगी, क्योंकि इसके अंदर जो हॉल है बहुत ही छोटे छोटे हैं। देखिए जो सॉल्वेंट होता है ना, जनरली वो सॉल्वेंट बहुत ही बारीक सा होता है और सॉल्यूट जो होता है वो थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है इस ऑस्मोसिस में, देखिए ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, यहां पर भी सेम कंडीशन है, C1 > C2। ठीक है, और सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट का तो ये अलाउ कर देगा, क्योंकि सॉल्वेंट के जो बहुत बारीक होते हैं ना जो पार्टिकल्स होते हैं, तो सॉल्वेंट तो क्योंकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू में ज्यादा है ना, तो सॉल्वेंट तो आराम से यहां फ्लो करेगा। देखिए आप देखते रहिए, सॉल्वेंट तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सॉल्यूट है उसका फ्लो नहीं होगा। बस यही अंतर है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्टिकल यानी सॉल्वेंट का ही जो है मूवमेंट होता है, लेकिन जो सॉल्यूट है उसका मूवमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पर जो मेम्ब्रेन थी वो नॉर्मल मेम्ब्रेन थी और यहां पर जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसी के कारण जो है सिर्फ सॉल्वेंट का फ्लो होता है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, बट सॉल्यूट का जो है फ्लो नहीं होता है। सॉल्वेंट का फ्लो होता है बट सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता है, इसे ही हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके का बनाया। अब यहां पर क्या है, मैंने लगा दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, को शॉर्ट में बोलते हैं SPM। अब देखिए यहां पर भी कुछ मैंने पिस्टन लगा दिया है और आप ये मानिए यहां पर जो प्रेशर लग रहा है PATM यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर लगता है, जो नॉर्मल प्रेशर होता है। और यहां पर भी जो है इसको भी मैं एक बार ऊपर की तरफ कर देती हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर भी जो लग रहा है वो PATM लग रहा है अभी एक बार। ठीक है, यहां पर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहां पर है सॉल्यूशन, यहां तो सब कुछ मिक्स है और इधर प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड मान लीजिए। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, ऑस्मोसिस का मैंने आपको क्या बताया था कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ प्योर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा होगी। ठीक है, और इधर सॉल्यूशन में कम होगी, तो इसका फ्लो कैसे होगा प्योर सॉल्वेंट का, वो होगा इस साइड होगा ना, किसका, सॉल्वेंट का, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है, पूरा ही प्योर सॉल्वेंट वही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी है। ज्यादा क्या मतलब, इसी की कंसेंट्रेशन है,
ठीक है, तो इसका फ्लो कहां से कहां तक हो रहा है, इधर से इस डायरेक्शन में हो रहा है नेट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब होता है कि जो नेट मूवमेंट होता है, मैं यहां पर आपका डेफिनेशन लिख रही हूं कि जो नेट मूवमेंट होता है, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, यहां सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड, ठीक है। क्या बोला ऑस्मेटिक प्रेशर ने कि नेट मूवमेंट जो होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का किसकी किस तरफ, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, कैन बी स्टॉप्ड, हम इसे स्टॉप कर सकते हैं इसके फ्लो को, कैसे, जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे इस साइड सॉल्यूशन की साइड। तो अभी तो देखो दोनों जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम इक्वल इक्वल प्रेशर है, क्योंकि ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है ना, ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है जो कि नॉर्मली हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर को के साथ में हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करेंगे, और उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से। तो हमने यहां पर पीएटीएम यानी जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक उसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया, प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे ही मैंने यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया तो क्या हुआ कि जो फ्लो हुआ वो क्या हुआ, रुक गया, फ्लो रुक गया, जो फ्लो था सॉल्वेंट का फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड ये रुक गया, और इस जो कंडीशन आई, इसको कंडीशन को लाने में जो हमें प्रेशर लगाना पड़ा उसे हमने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप आपको अच्छी तरीके से यह समझ में आ गया होगा। हमें ये पता चला एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये पता चला कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर था प्रोपोर्शनल बताया गया है किसके, मोलैरिटी के, मोलैरिटी को जो ये आपकी कंसेंट्रेशन टर्म होती है मोलैरिटी, और एनसीईआरटी में सी से बताया गया, कैपिटल सी से, इसे हम कैपिटल एन से भी बोल सकते हैं, और ये बेसिकली है मोलैरिटी, बट आपके जो एनसीईआरटी है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में सी से, कैपिटल सी से दिखाया गया, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूं। दूसरा एक इस पर डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसे मैं लिख सकती हूँ केल्विन जो है। मिला के हम क्या लिख सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी के अगर साइन में हटाऊं तो पाई, सॉरी इसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि बार बार पाई जैसे साइन लगता है तो वही याद आता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी, मैं सी का यूज कर रही हूं, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। आर क्या है, यहां पर कॉन्स्टेंट है, क्या है, कॉन्स्टेंट, ठीक है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, है ना। अब यहां पर आप ये भी लिख सकते हो इससे कि जो कैपिटल सी है ये मोलैरिटी है बेसिकली, तो सी की जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या आती है, एन अपॉन बी, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, सॉल्यूट है तो एन टू लिख दिया आपने, ठीक है, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं एन टू अपॉन बी आर टी। और अगर हम एन टू की वैल्यू लिखें, क्या है एन टू की वैल्यू, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, ये वी है यहां पे, वी और ये आर टी। तो ये दो फॉर्मूले निकल के आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो आई होप आपको पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया होगा, फॉर्मूले सारे समझ में आए होंगे। यहां पर सी की जगह ही मैंने ये वैल्यू लिखी है, देख लीजिए, सी यानी मोलैरिटी ही है, और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो एन टू है। अब हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं, घरों में आरओ लगा होता है, आरओ सिस्टम, वो भी इसी पे बेस्ड होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पे, जिसको हम वाटर प्योरिफिकेशन भी बोलते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर आप समझिएगा, मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूं।
इसको मैं मान लीजिए, ठीक है। यहां पर इस टाइम देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, रिवर्स ऑस्मोसिस से पहले मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का डायग्राम बना देती हूँ। ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर का डायग्राम बनाती हूँ। तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में यहाँ पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर पीएटीएम यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर और पाई है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रखा है और यहाँ पर ऑनली हमने लगा रखा है एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये कंडीशन थी और यहाँ पर है एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का था सारा डायग्राम। अब इधर मैंने क्या लिखा था, सॉल्यूशन, और इधर था सॉल्वेंट, कौन सा, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब आप देखो क्या होगा, इधर रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब उल्टा, ऑस्मोसिस प्रोसेस का एकदम उल्टा, यानी अब की बार क्या होगा कि जो फ्लो हो रहा है ना यहां पर सॉल्वेंट का, मैंने बताया था आपको फ्लो इधर से इधर होगा, और ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, हम ऐसा प्रेशर लगाते हैं कि ये फ्लो रुक जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि हम अगर एक्स्ट्रा मतलब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर था अपना जो हम अप्लाई कर रहे थे, इससे भी ज्यादा प्रेशर अगर अप्लाई करें, मोर देन, इससे भी ज्यादा अगर प्रेशर अपन अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, जो फ्लो होगा वो उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर हमने इससे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, ज्यादा प्रेशर हमने इससे अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, जो ये फ्लो रुका हुआ था ना ये वापस से बैक हो जाएगा, ये वापस से बैक हो जाएगा। इतना जोर से मतलब ये फ्लो करेंगे सॉल्यूशन में, इतना जोर से मतलब प्रेशर, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है पीएटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो ऑस्मोसिस प्रेशर है वो तो उसमें दे ही रखा है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा अगर आप प्रेशर दोगे तो फ्लो क्या हो जाएगा, एकदम उल्टा, एकदम उल्टा। तो इससे क्या होगा कि इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए हमने क्या किया, एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर दिया, इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर, इससे भी ज्यादा प्रेशर जो पहले था उससे भी ज्यादा प्रेशर ऐड करते ही ये रिवर्स हो गया, इसका फ्लो रिवर्स हो गया। अब आप देखो, अब ये वाटर प्यूरिफिकेशन के काम कैसे आता है, क्या होता है घरों में, मैं आपको बताती हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमने लगाया है एक्स्ट्रा, अगर उससे भी ज्यादा हमने अगर प्रेशर लगा दिया, मतलब इफ वी अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्लो जो होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट विल रिवर्स, जिसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम इसको जोड़ते हैं प्योरिफिकेशन से, वाटर प्योरिफिकेशन कैसे होगा, तो देखिए प्योर सॉल्वेंट है यहां पर, यहां सॉल्यूशन है। मैं आप दूसरा डायग्राम बनाती हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि भाई ये रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्योरिफिकेशन कैसे कर रहा है। देखिए ठीक है, यहां से पानी की बूंदें निकलेंगी, वाटर यहां पर है सॉल्ट वाटर, यहां पर बनेगा प्योर वाटर, ठीक है। यहां पर वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया है, पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया है, कितना प्रेशर अप्लाई किया है, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर कितना अप्लाई किया मैंने, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगी तो फ्लो हो जाएगा बैक, यानी सॉल्ट वाटर, यहां पर सॉल्ट वाटर को मैंने सॉल्यूशन ले लिया था और यहां पर प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर जो है हमारे यहां पर, जैसे सॉल्ट वाटर होता है, ठीक है, आरओ की जो कंडीशन बता रही हूं मैं, आरओ क्या होता है घरों में, आरओ कैसे काम करता है,
सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर में इस तरीके का सिस्टम होगा कि जहां पर जो प्रेशर अप्लाइड होगा पिस्टन के थ्रू वो अप्लाइड होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई हुआ तो यहाँ पर सॉल्ट वाटर में जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे ना, यानी जो प्योर वाटर होगा वो यहां से वो वापिस इधर चला जाएगा, ठीक है। और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे यानी सॉल्यूट होंगे यानी कुछ और भी जो गंदगी होगी वो सारी यहीं पर रह जाएगी, ठीक है। और जो प्योर वाटर होगा सॉल्ट वाटर में से वो इधर आ जाएगा प्योर वाटर, और वही प्योर वाटर यहां पर निकल के अलग से आ गया। इसे हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस, जो कि घरों में भी यूज होता है, ठीक है। और यही पॉलिसी यूज होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस की ही कंडीशन यूज में होती है। तो आई होप आपको समझ में आया हो रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ये पूरा जो लेक्चर है सॉल्यूशन का वो आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी फिलहाल। तो चलिए, कोई भी प्रॉब्लम आया तो कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।